दोस्तों ये तस्वीर है श्रद्धा कपूर की, जब वो साल 2019 में मुंबई के आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ कुछ और सेलिब्रिटीज के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची थी। अब इंटेंशन साफ था कि पेड़ इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं और इनका कटना कहीं न कहीं हमारे फ्यूचर को रिस्क में डालने के साथ साथ हमारी धरती के पोल्यूशन लेवल को भी बढ़ाने में एक अहम रोल प्ले करता है। और श्रद्धा कपूर का किसी ऐसे इनिशिएटिव में हिस्सा लेना पब्लिकली उनकी इमेज को बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि इससे जनता सोचती है कि इस व्यक्ति को सेलिब्रिटी होने के बाद भी पर्यावरण की कितनी ज्यादा चिंता है। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 2023 में और यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अभी हाल ही में उन्होंने करीब 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी हुराकेन टेक्निका नाम की एक गाड़ी खरीदी है, जो वैसे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब भाई पर्सनली कोई अपने पैसों के साथ चाहे कुछ भी क्यों ना करे, मगर ट्विस्ट ये है कि 4 साल पहले एनवायरमेंट का इतना ख्याल रखने वाली श्रद्धा कपूर ने गाड़ी खरीदते वक्त लैम्बोर्गिनी को ही क्यों चुना, जो कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने वाले कार प्रोड्यूसर्स में से एक है। और ये भी हम हवा में नहीं कह रहे, बल्कि इस बात को खुद गार्जियंस और कुछ बड़े बड़े न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है। नाउ श्रद्धा कपूर क्या करती है, इससे हमें लिटरली कोई भी मतलब नहीं है, और इस बात से श्रद्धा कपूर को हेट देने का भी हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे, बल्कि इस एग्जांपल से हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया कितनी डबल स्टैंडर्ड है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया दिखावा करती है कि उसे पर्यावरण की चिंता है और उसी दिखावे के लिए पर्यावरण को बचाने का ढोंग भी करती है, पर फिर वही लोग कुछ समय बाद ऐसी हरकतें करते हैं ना जो पर्यावरण को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती है। अब कुछ ऐसा ही इस वक्त चल रहा है हवाई और मैक्सिको के बीच मौजूद इस इलाके में, जिसके पीछे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स और कंपनीज हाथ धोकर पड़ी हुई है और पूरा जोर लगा रही है ताकि उन्हें किसी तरह से इस एरिया को इस्तेमाल करने का परमिट मिल जाए। अब सवाल है कि इस इलाके में आखिर ऐसा क्या है जो कंपनी अपने उसूलों और ईमानों को भी दांव पर लगाकर यहाँ पर रिसर्च करना चाहती है, और क्या इसके टेकओवर से हमें घबराना चाहिए या नहीं। वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों बेसिकली इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1872 में, जब HMS चैलेंजर डीप ओशियन को स्टडी कर रहा था। तब उसे इस इलाके में करीब 4300 से 5500 मीटर की गहराई में कुछ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिले थे। अब साल 1872 से 1876 तक चलने वाले इस वॉयज की डिटेल्स जब पब्लिक हुई तो लोगों को इस इलाके के बारे में पता चला, मगर क्योंकि उस वक्त इन एलिमेंट्स का इतना ज्यादा डोमिनेंस मार्केट में नहीं था, इसीलिए किसी ने भी तुरंत इस पर कैपिटलाइज करने के लिए कदम बढ़ाने नहीं शुरू किए। हालांकि ये तस्वीर बदल गई सन 1960 के दशक से, जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का ट्रेंड दुनिया में बढ़ने लगा। 1960 के अंत तक और 1970 के शुरुआती दौर में अमेरिका और रशिया दोनों इस बात को समझ चुके थे कि जो जो रिसोर्सेज इस इलाके में मौजूद है ना, वो आगे आने वाले समय में मार्केट को हिलाने की काबिलियत रखते हैं, और इसीलिए इनका पोटेंशियल जानने के बाद ये दोनों ही कंट्रीज इस जगह को एक्वायर करने की कोशिशें करने लगी। और इनको देखते हुए और भी बहुत से देश और कंपनीज इस जगह की अहमियत जानने लगे, और कुछ इस तरह से करीब 100 साल बाद अचानक सब इस एरिया और यहाँ के रिसोर्सेज में दिलचस्पी लेने लगे, और यहीं से शुरू हुआ कंपटीशन क्लेरियन क्लिपेट्रोन जोन को एक्वायर करने का। अब ये तो हो गई बात कि आखिर इस जगह का भौकाल क्यों है, ऑफ कोर्स पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए, पर इन नोड्यूल्स में ऐसा क्या खास है कि सब इसके पीछे पड़े हैं। वेल, अगर एक सेंटेंस में बताएं तो यहाँ मौजूद नोड्यूल्स का एलिमेंट कॉम्पोजिशन देखो, करीब 10 लाख किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये एरिया रेयर मेटल्स का खजाना है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी कि ISA के डेटा के माने तो यहाँ पर 21 बिलियन टन से भी ज्यादा के अमाउंट के नोड्यूल्स मौजूद है, जिनमें करीब 5.95 बिलियन टन मैग्नीज, 0.27 बिलियन टन निकल और 0.23 बिलियन टन कॉपर और 0.05 बिलियन टन कोबाल्ट के साथ साथ ऐसे और भी ना जाने कितने धातु मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करके डिजिटल दुनिया की बहुत सारी टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल या एटलीस्ट उसके रॉ मटेरियल की सप्लाई का कंट्रोल किसी कंपनी के पास जा सकता है। अब ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है ना जिनका इस्तेमाल बैटरी बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, और देखो टेक्निकली देखा जाए तो आगे आने वाला पूरा दौर ही बैटरीज का है। चाहे आप अपना मोबाइल फोन ले ले, चाहे लैपटॉप ले ले, या फिर चाहे
टीवी का रिमोट ही ले ले, या फिर उस कार या बाइक को ही क्यों ना ले लीजिए जिसमें आप रोज चला करते हैं। हर एक चीज बैटरी पर फंक्शन कर रही है, और जब से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ट्रेंड आया है तब से इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। मगर ये सारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं लिमिटेड अमाउंट में ही मौजूद है। ऐसे भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बैटरी बनाने वाले इन मेटल्स का इतना बड़ा कलेक्शन होगा, वो इजीली मार्केट में इन एलिमेंट्स के रेट्स तक को फ्लक्चुएट करने की पावर रखेगी, जो अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जो आगे जाकर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के बिजनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। कुल मिलाकर खजाना खुला हुआ है और कह रहा है आओ मुझे लूट लो, पर दुनिया भर की सभी कंपनीज के सामने एक रोड़ा है जिसे पार किए बिना वो इस खजाने की तरफ आंख उठाकर देखने की सोच भी नहीं सकते। देखो, माना कि सारे देश और सारी कंपनीज अपने आप में बहुत ही ताकतवर है और सबका बहुत रौला भी है, मगर इन सब के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी है जिससे कोई भी बहस नहीं कर सकता, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस। साल 1981 तक यहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनीज और कंट्रीज आई जिन्होंने इस एरिया को लूटने की सोची, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। मगर साल 1982 में हुआ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसने इंटरनेशनल वाटर के केस को पूरा बदल दिया। अब इसके पहले ये माइंडसेट रखा जाता था कि समुद्र पर सबका अधिकार है। हाँ, इंटरनेशनल वाटर की लिमिट होती थी और एक देश दूसरे देश के इंटरनेशनल वाटर्स में इनफिल्ट्रेट नहीं कर सकता था, मगर वो इलाके जो किसी देश के अंतर्गत नहीं आते थे ना, उन पर सभी देशों का अधिकार था और सभी देश वहाँ जो चाहे वो कर सकते थे, क्योंकि कोई मापदंड या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनाई गई थी जो वहाँ की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करती हो। जब लगातार ऐसा कई बार देखा जाने लगा कि इस नियम का फायदा उठाकर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वाटर की टेरिटरी को जैसा मन चाहे वैसा एक्सप्लॉइट कर रही है और मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है, तब जाकर इस कन्वेंशन को लाया गया, और चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई देश, सभी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए गए जिसके अंतर्गत वो उन नियमों की हदों में ही अपनी इकोनॉमी या बाकी सभी एक्टिविटीज को बरकरार रख सकते थे। अब इस कन्वेंशन के बाद ना, वैसे ही सभी देशों के लिए इस इलाके की एंट्री ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, मगर साल 1994 में एक और बड़ा बदलाव आया जब स्थापना हुई इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की, और ये अथॉरिटी एक तरीके से दुनिया के पूरे फ्री वाटर की मालिक है। देखो, आसान भाषा में बताए तो फ्री वाटर जोन एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर किसी भी देश का अधिकार ना हो। अभी की टाइम लिमिट्स के हिसाब से किसी देश की कोस्ट लाइन से उसकी टेरिटोरियल सी लिमिट 12 नॉटिकल माइल्स, उसका कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल्स, और उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कोस्ट लाइन से करीब 200 नॉटिकल माइल्स तक ही सीमित रहता है। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कई बार नेबरिंग कंट्रीज की डिस्टेंस की वजह से कम भी हो सकता है, मगर 200 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा किसी हाल में नहीं होगा। अब इन सभी बाउंड्रीज के बाहर जितना भी एरिया ओशन का बसता है ना, उसे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी रेगुलेट और कंट्रोल करता है। और अगर आपको इस इलाके से एक पत्ता भी तोड़ना है तो आपको ISA की परमिशन लेने ही पड़ेगी, जो कोई आसान बात नहीं है। देखो, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी खुद इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि इस जगह के पीछे कितनी ज्यादा मारामारी है, और इसीलिए वो यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती है, और अगर कोई भी डिफॉल्टर पाया जाता है तो उसकी अच्छे से क्लास भी लेती है, और यही कारण है कि अब यहाँ पर होने वाला एक्सप्लॉयटेशन इतना कम हो चुका है। और किसी भी तरह की रिसर्च को भी तभी परमिट दी जाती है जब ये अश्योर कर लिया जाता है कि उस रिसर्च से आसपास की मरीन लाइफ को कोई भी डैमेज नहीं होगा। अब देखो, इस वक्त करीब 17 कॉन्ट्रैक्ट्स इस जगह के रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करने के पीछे पड़े, मगर ISA हमेशा से किसी कमर्शियल यूज के लिए इस जगह की माइनिंग करने का परमिट देने से मना करती रहती है, और यही पोर्ट्रेट करती रही है कि वो मरीन लाइफ की चिंता करती है और ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ है जिसमें मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचे। एक रिसेंट स्टडी में तो ये तक पता चला था कि इस एरिया में 185 से ज्यादा मरीन लाइफ स्पीसीज मौजूद है, और इसके पहले भी ऐसे बहुत से डेटा आ चुके हैं जिन्होंने कंफर्म किया है कि ये एरिया बहुत से एक्वाटिक एनिमल्स के लिए उनके घर की तरह है। मगर क्या आपको याद है, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पूरी दुनिया डबल स्टैंडर्ड है, बस इंतजार रहता है उस एक पल का जब असलियत
सामने आती है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जिनके बयान को सुनकर और जिनके माइंडसेट को देखकर हमेशा से लोग उन्हें पवित्रता की मूरत समझा करते थे, उन्होंने भी अंत में वही डबल स्टैंडर्ड शो किया जो दुनिया में हमेशा से देखा जाता रहा है। देखो दोस्तों, लास्ट ईयर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने नाउरो ओशन रिसोर्सेज इंक नाम की कंपनी को CCZ में डीप सी माइनिंग ऑपरेशंस के ट्रायल्स शुरू करने की फाइनल परमिशन दी है। जिस परमिशन को पाने के बाद अर्ली 2024 से ये कंपनी हर साल अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन मेट्रिक टन्स पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने का एम कर रही है। अब देखो, ऊपर से भले ही ऐसा लग रहा हो कि ये एक छोटी सी कंपनी है जिसे रिपब्लिक ऑफ नाउरू नाम का छोटा सा देश स्पॉन्सर कर रहा है, बट इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर तो पता चलता है कि ये कंपनी असल में एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसकी पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कैनेडा में सिचुएटेड द मेटल्स कंपनी, जिसका टारगेट है दुनिया का सबसे बड़ा मेटल सप्लायर बनना फॉर बैटरीज एंड सच स्टफ। देखो बेसिकली ISA ने TMC को काउंटलेस ट्रेजर्स की चाबी दे दी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि TMC इतना शरीफ है कि एक सिक्का लेके खुश हो जाएगा और लौट जाएगा, जबकि होने क्या वाला है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। नाउ दोस्तों, मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि चाहे कोई कितना ही एनवायरनमेंट का हितैषी या ह्यूमन राइट्स का एडवोकेट क्यों ना बन जाए, एट द एंड ऑफ द डे हर कोई सिर्फ दिखावा कर रहा है। आपको भी ऐसे लोगों के झांसे में आने के बजाय अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और सही के साथ खड़े रहना चाहिए, ताकि जब दुनिया अपना असली चेहरा दिखाए तो कम से कम आपको रिग्रेट ना हो कि दूसरों के चक्कर में आप अपना ओपिनियन नहीं रख पाए। वैसे यूनाइटेड नेशंस की अगर आपको भी ऐसी कोई हिपोक्रेसी याद है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।